इंडियाज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022-23 की बुक का रिव्यू करने वाले। आप सभी स्टूडेंटों ने कमेंट्स करके कहा हुआ था कि सर इस बुक का रिव्यू जरूर करिए, और भी अदर बुक्स का आप रिव्यू कराना चाहते हैं, और भी अदर पब्लिकेशंस को बुक का जानना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर मैसेज कर दीजिएगा, और हमारे इंडियाज़ बुक वेबसाइट है वहाँ पर भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अदर किस पब्लिकेशन की बुक का रिव्यू चाहते हैं। तो आज और इस बुक को अगर आप यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं, आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 2022-23 में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सॉल पेपर प्रैक्टिस बुक का के बारे में बताएंगे, जिसमें से यूपीपीसीएल में इसमें 10 सेट्स इस बुक में दिए गए जो सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक के आधार पर है। अब बात करें साथ ही साथ ये इस बुक का प्राइस क्या रहने वाला है, तो इस बुक का प्राइस 295 रहने वाला है, और बुक का प्राइस है, और इसमें विषय सूची की बात करें तो इस विषय सूची में इसमें लास्ट ईयर के 2018 के दो शिफ्ट के शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के पेपर सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और 2018 के ही 17-10-2018 के भी शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के सॉल्व पेपर दिए गए हैं, 2018 के दिए गए हैं, और साथ ही में इसमें प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व पेपर के बाद इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें यूपीपीसीएल में के सिलेबस का, तो इसमें भाग एक में कंप्यूटर ज्ञान का, नीलेट का, ट्रिपल सी लेवल के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चनों अधिकतम अंकों की संख्या 50 ही रहेगी, एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए रहेगा। सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक मिलेंगे, तार्किक के 45 अंक रहेंगे, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट सामान्य स्तर पर रहेगी जो 55 क्वेश्चन रहेंगे और 55 अंक मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर पर रहेगी जिसमें से 55 अंक के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 55 अंक मिलेगा। टोटल आपको 230 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 230 क्वेश्चंस का आपका ये पेपर रहने वाला है। और साथ ही में इसमें नोट में क्या गया है, कहा गया है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, हिंदी टंकरण की परीक्षा कृति देव फॉन्ट में ली जाएगी, ये लास्ट में ये भी रहेगा। अब बात करते हैं हम कि 2018 में इनका सॉल्व पेपर किस तरह से हुआ था, तो ये 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेंगे, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर का दिया गया है, इज अ रिज्यूएबल सैम्पल फाइल द इंक्लूड्स अ बैकग्राउंड लेआउट कोऑर्डिनेट fonts and the other design elements that the work together to create the attractive finished slide show. एक पुनः प्रयोग नमूना फाइल जिसमें एक पृष्ठभूमि लेआउट समन्वय फॉन्ट एवं अन्य डिजाइन तत्व शामिल जो एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, सी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स एक फाइल होता है जो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रारंभिक बिंदु की तरह सेवा देता है, और कुछ स्थितियों में जब टेम्पलेट्स को ओपन किया जाता है तो वह प्री फॉर्मेट की तरह कार्य करता है। तो इसी तरीके से इसमें कंप्यूटर के जो आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे भारत में पश्चिमी तट पर दक्षिणी विस्तार में क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, मालाबार तट। भारत का पश्चिमी तट 3 भागों में विभाजित किया गया है जिसका दक्षिणी विस्तार मालाबार तट कहलाता है, और पश्चिमी तट का विस्तार 6 राज्यों गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में है। इस तरह का ये पूरे एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये इस बुक में आपको रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन, जैसे कि ये रीजनिंग का हुआ, रीजनिंग के बाद जब आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है तो रीजनिंग के बाद इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस और आंसर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन रहेगा, और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इसमें इन जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन टोटल आपके 230 क्वेश्चंस का समावेशन का सॉल्व पेपर का ये बुक्स रहेगी, सॉल्व पेपर बुक रहेगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो 4 सॉल्व पेपर हैं, चारों सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं, बताए हुए गए हैं, और फिर इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा,
आपको प्रैक्टिस सेट इसी आधार पर बना रहेगा। जैसे कि MICR स्कैनर इज एन एग्जाम्पल, तो ये किसका है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रैक्टिस के लिए दिया गया। लास्ट में प्रैक्टिस सेट में आपको इसके आंसर मिलेंगे। ये इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे भाग वन, भाग टू, भाग थ्री, तार्किक रीजनिंग और हिंदी, और बाद में इसका पीछे से एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। जैसे ये वन का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, तो इस तरह से ये रहेगा। इस बुक को ख़रीदना है आपको तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके भी आप सीधा ऑर्डर हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये बुक का कैसी लगी, और भी अदर बुक कंपटीशन पब्लिकेशंस के बुक के बारे में रिव्यू करवाना चाहते हैं आप, बता पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स करके मैसेज कर दीजिए कि सर इस बुक के लिए भी बुक का रिव्यू कर दीजिए इस पब्लिकेशन के, तो हम उस बुक का भी रिव्यू करा देंगे और वो बुक आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। तो वेबसाइट कौन सी वेबसाइट से आपको खरीदना है, इंडियाज़ बुक वेबसाइट से, इंडियाज़ बुक youtube.com से आपको वेबसाइट से आपको खरीदना है। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा।